इन्हें हवा न लगने दीजिए, निमोनिया का खतरा है। डॉक्टर साहब, दवा वही चलेगी या तब्दील होगी? दवाई वही चलती रहेगी। मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरे लाल, मैं कुर्बान जाऊं, खुदा तुझे हर बला से बचाए। लाइए मैं दवाई देती हूँ। हेलो जोजी डार्लिंग, क्या हाल है? टेम्परेचर कुछ कम हुआ? टेम्परेचर और बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा है कि निमोनिया का खतरा है। ओह माय गॉड, यानी टाइफाइड हो गया है इन्हें। ये तो बड़ी खतरनाक बीमारी है, एक को दूसरे से और दूसरे को तीसरे से उठकर लगती है। आप सबको भी इनसे दूर दूर रहना चाहिए। वाह रे फैशन, बहू हो तो ऐसी हो। नसरीन की ये हरकत मुझे बहुत नागवार गुजरी है, आज मैं उससे दो दो बातें करके रहूंगी। बेगम साहब, क्यों गंदी नाली में पत्थर मारती हैं? अपने उजड़े दामन की खैर मनाइए। तुम चुप रहो जी। हो गया जी। बहू। ओ यस मम्मी। नसरीन, क्या तुम्हें मालूम नहीं शरीफ बहू बेटी की क्या जिम्मेदारियां होती हैं? इस गलत आजादी और बर्बाद करने वाले फैशन की किताब में शौहर का रुतबा यही होता है जिसका नमूना तुम पेश कर रही हो। मैं आपका मतलब नहीं समझी। शौहर बीमार है मगर तुम्हें घूमने से फुर्सत नहीं। शौहर के करीब इसलिए नहीं जाती कि कहीं उसकी बीमारी तुम्हें ना लग जाए। तो इसमें कौन सी बुराई है मम्मी? तुम इस बुराई को क्या समझो, जिस बीवी का शौहर बीमार हो वो अपने ऊपर खाना पीना भी हराम कर लेती है तो गोया मैं भी अपनी सेहत खराब कर लूं। अगर वो बीमार है तो इलाज के लिए किसी डॉक्टर को बुला लीजिए। जिसका जमीर स्याह हो जाए उसे शौहर का रुतबा नजर नहीं आता। मैं तो उस वक्त को पछता रही हूँ जब मैंने अपने फरमाबरदार बेटे की बर्बादी का फैसला किया था। मुझ पर ज्यादा रोक जमाने की जरूरत नहीं, अगर मुझसे इख्तलाफ है तो अपने बेटे से कहो मुझे तलाक दे दे। आई बड़ी अफलातून कहीं की। बेगम साहिबा, आप आराम कीजिए, मैं दवाई देती हूँ। दवाई पी लीजिए। पानी पानी। सलमा बेटी, सलमा बेटी जी, एजाज को पानी पिला दो जी। अच्छा, शायद आंख लग गई है, जगा लो बेटी। नहीं अम्मी हुजूर, इनको जगाना मुनासिब नहीं, जब आंख खुलेगी तो पानी पी लेंगे। आप आराम कीजिए। सलमा बेटी, क्या रात से तुम पानी लिए इसी तरह खड़ी हो? इंतजार करती रही कि इनकी आंख खुले तो पानी पी ले। आफरीन है उस माँ पर जिसकी कोख से तूने जन्म लिया। काश तेरे जैसी कोई सिफत मेरी बहू में भी होती।
इजाज बेटे, रात को तुमने पानी मांगा था ना, ये सलमा बिचारी उसी वक्त से पानी का गिलास लिए खड़ी है। सलमा, तुम कितनी अच्छी हो। पानी पी लीजिए। छोटी बेगम घंटी बजा रही है, मैं जरा उधर हुआ हूँ। सलमा, तुम उसके कमरे में मत जाया करो। कोई बात नहीं, उनकी खिदमत करना भी मेरा फर्ज है। ठहरो सलमा, तुम वहां नहीं जाओगी। कहां मर गई ये नौकरानी? आधा बाबा जान। जीते रहो जीते रहो। अब क्या हाल है मेरे बेटे का? जी अब बहुत बेहतर हूँ बाबा जान। क्यों रे इडिया, मैं इतनी देर से घंटी बजा रही हूँ और तू सुनती ही नहीं। कान फूट गए थे क्या? काम छोड़। अगर तुमने सलमा पर दोबारा हाथ उठाया तो मैं तुम्हें तोड़। जो जी, इस दो टके की छोकरी के लिए तुमने अपनी वाइफ पे हाथ उठाया? जी हाँ, ये वाइफ इसी काबिल है। मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहूंगी, मुझे अभी डाइवोर्स कर दो। मैं तुम्हें तलाक देने के लिए बहुत पहले से तैयार हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। अपनी अम्मी से तो पूछ लिया होता बेटे, इतना बड़ा फैसला बेगम साहब से पूछे बगैर ही कर डाला। तुम चुप रहो जी। मैं अपने बेटे के फैसले से इत्तफाक करती हूँ। हक मेहर की रकम फौरन अदा कर दी जाए। नहीं नहीं अम्मी हुजूर, आप मेरी वजह से अपने घर में क्यों नाचाकी पैदा करती हैं? ये मुझे और भी दस्तमाचे मार ले, इन्हें हक पहुँचता है। तुम चुप रहो बेटी, हमारा हर फैसला अटल होता है। मुँह क्या देखते हो जी, चेक साइन करके इसके हवाले करो। हो गया जी,